नमस्कार, देवभूमि हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी में आपका स्वागत है। आज आपको रूबरू करवाएंगे हिमाचल प्रदेश की विभिन्न झीलों की सांस्कृतिक संध्याओं से और कल्चर से, किस प्रकार के वेशभूषा होती है, किस प्रकार के परिधान होते हैं, किस प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। जी हाँ, पहुँचे हैं मंडी और यहाँ पर मनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश का उत्सव। और इस दौरान विभिन्न विभिन्न वेशभूषाओं में विभिन्न विभिन्न झीलों से कलाकार पहुँचे हैं, उनसे रूबरू करवाते किस प्रकार का कल्चर है उनका। और साथ में यहाँ पर स्टॉल भी लगाए गए हैं जिसके अंदर आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश की शिल्पकारी और कलाएं। विभिन्न प्रकार की आर्टिस्ट यहाँ पर पहुँचे, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा और ख़ास मौका है जब आर्टिस्ट को मौका मिल रहा है अपनी कला को दिखाने के लिए। सांस्कृतिक संध्या के साथ मिलवाया, विभिन्न विभिन्न कल्चर देखने को मिला। चंबा का डांस देखने को मिला, हमीरपुर का डांस देखने को मिला, सोलन देखने को मिला, कुल्लू देखने को मिला। और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार की पेंटिंग्स लगाई गई है फिलहाल, और बहुत ही अच्छी यहाँ पर कलाकृति कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। आपसे इस प्रकार ही बातचीत करते रहेंगे, आपसे रूबरू होते रहेंगे विभिन्न विभिन्न सांस्कृतिक स्वभाव। हाँ जी।
धर्मशाला में आज डेप्यूटी प्रशिक्षुओं ने पुलिस ग्राउंड से प्रारंभिक शिक्षा विभाग कचहरी तक प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। धर्मशाला पहुंचे अलग अलग कॉलेजों से छात्रों ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग के उपनिदेशक के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा और मांग रखी कि बीएड प्रशिक्षुओं को डेप्यूटी में शामिल न किया जाए। डेप्यूटी प्रशिक्षुओं ने प्रदर्शन के दौरान अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं डेप्यूटी प्रशिक्षु संघ के सचिव रोहित ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जेबीटी प्रशिक्षुओं की संख्या 40,000 से अधिक है। प्राथमिक कक्षाओं को जेबीटी ही बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। हमारा मुद्दा है सर, जो जेबीटी की भर्तियों में बीएड को जबरन हम कह सकते हैं, जबरन ही इनको इलिजिबल किया जा रहा है। हालांकि शिक्षा विभाग ने आज तक बीएड के लिए टेट तक नहीं कंडक्ट किया है। जब तक टेट कंडक्ट नहीं किया, आप कैसे उनकी इलिजिबिलिटी को कहां पर रखते हैं, बीएड की इलिजिबिलिटी को रखते हैं? क्योंकि शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि हमने पुराने नियमों के तहत ये भर्ती हम कर रहे हैं। कौन से पुराने नियम? पुराने नियम आप 2017 के एंट्री रूल्स है जेबीटी के, कहीं भी वहाँ बीएड को एंट्री नहीं है, अभी तक कमेंट नहीं हुए, कोर्ट में भी केस चला है, अभी सब जुडाइस कोर्ट में सब जुडाइस है और एसएलपी के अंडर है। एसएलपी के हम आपको ऑर्डर दिखा देते हैं, एसएलपी में ऑर्डर है, राजस्थान के बीएड गए थे कि हमें राजस्थान में जो टैट होता है 125 के लिए हमको एलिजिबल किए जाए, उनके डिनाई कर दिया है। That's it. और जो उस एसएलपी में जो ऑर्डर है, जो उस वो ऑर्डर है, हाईकोर्ट भी यही कहते हैं अपने रिव्यू में, जो जजमेंट जेबीटी के अगेंस्ट आई थी वो हाईकोर्ट के रिव्यू में, उसी खंडपीठ में है जस्टिस त्रिलोक कुमार जी। तो किस तरीके से आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, हमारा ये कहना है। अब क्लैरिफिकेशन डिप्टी डायरेक्टर जी से मांगिए तो हम पूछेंगे कि आपने क्या क्लैरिफिकेशन दिए, किस तरीके से आप एक्ट को एंटर कर रहे हैं, क्या किस तरीके से उनकी एलिजिबिलिटी को आप मानते हैं, अगर उनको एलिजिबल किया जाए। अगर बात की जाए रैली की, तो आज बिहार रैली जो निकाली गई है, ये कहां से और कहां तक जो रैली? देखिए, ये हमारे पुलिस ग्राउंड से यहाँ डिप्टी डायरेक्टर, आप डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में पहुंचे हैं, तो क्या आज ज्ञापन सौंपा जाएगा? ज्ञापन सौंपा जाएगा और उनसे बात मांग करेंगे। ज्ञापन सौंपा जाएगा, देखिए जो क्लैरिफिकेशन डायरेक्टर साहब ने उनसे मांगी है 17 अप्रैल और 20 अप्रैल के लेटर में जो क्लैरिफिकेशन मांगी है, उस क्लैरिफिकेशन के लिए ही हम आए हैं। आपने क्या क्लैरिफिकेशन दिया, क्या क्लैरिफिकेशन आपसे वो मांग रहे हैं और आपने क्या क्लैरिफिकेशन दिया, यही हमारा मुद्दा रहेगा। यही हमारी के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय मजदूर संघ ने आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय श्रम नीति लागू किए जाने को लेकर उपायुक्त कार्यालय धर्मशाला के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस धरने प्रदर्शन में जिला के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व अन्य मजदूर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त भारतीय मजदूर संघ की मांगे पूरी न होने के चलते आज भारतीय मजदूर संघ के प्रदेशाध्यक्ष ने उपायुक्त कांगड़ा के माध्यम से प्रधानमंत्री को मांग पत्र भेजा। तेरा वैभव अमर रहे मां, और उस पटना के अधिवेशन में 3 दिन में भारतीय मजदूर संघ ने विस्तार पूर्वक एक एक पॉइंट पे चर्चा की। आज देश के अंदर मजदूरों को क्या समस्याएं हैं, कर्मचारियों को क्या समस्याएं हैं, उसको लेकर विस्तार पूर्वक वहां पे चर्चा की और एक 14 पेज की कॉपी वहाँ पे जो प्रस्ताव पारित किए हैं, और जो प्रस्ताव पारित किए हैं भारतीय मजदूर संघ ने, ये निर्णय लिया कि जो राष्ट्रीय अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित किए हैं, ये प्रस्ताव देश के प्रधानमंत्री जी को एक ही दिन पूरे देश के अंदर 26 अप्रैल को हर जिलाधीश के कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन और जिलाधीश के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी को 26 अप्रैल को ये मांग पत्र दिए जाएंगे।
उसी कड़ी में आज भारतीय मजदूर संघ जिला कांगड़ा के हमारे सामान्य अध्यक्ष राजेंद्र बंगालिया जी हैं, जिला के मंत्री मुकेश जी हैं, और ये जो निर्णय BMS ने लिया और आज हम कांगड़ा जिला अध्यक्ष के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को आज हम भी जहाँ से मांग पत्र भेजेंगे, देश के अंदर सभी को सुरक्षा प्रावधान केंद्र की सरकार करे, देश के अंदर ठेका प्रथा, ये जो ठेकेदारी प्रथा है जो पूर्ण रूप से बंद हो, इस पर पूरा प्रतिबंध लगाया जाए। ठेकेदारी प्रथा अगर बंद नहीं होती है तो मजदूरों का बहुत ज़्यादा शोषण होता है। इसको लेकर भी भारतीय मजदूर संघ ने ये निर्णय लिया कि केंद्र की सरकार ठेका प्रथा को बंद करे और देश के अंदर न्यूनतम वेतन के बजाय जीविका वेतन लागू किया जाए कि जब तक व्यक्ति जीवित है उस व्यक्ति का पूरा खान पीन रहन का मकान का उसके परिवार का जो भी खर्चा है वो केंद्र की सरकार उठाए। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। SDM धर्मशाला का कार्यभार संभालने के बाद धर्मेश रामोत्रा ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि जन समस्याएं सुलझाना और विकास को गति देना उनकी प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि धर्मशाला एक पर्यटन स्थल है और इसके विकास की दिशा में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत भी कार्य चल रहा है। विकास एक निरंतर गति है, लेकिन ऐसे कार्यों को अंजाम दिया जाएगा जिससे लोगों को पेश आ रही समस्याओं को हल किया जा सके। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की है कि शहर में बेसहारा पशु न छोड़ें। जो पशु बेसहारा है उन्हें गौ सदनों में भेजा जाएगा ताकि इस वजह से हादसे ना हो, और यदि इसके बाद भी कुछ पशु बच जाते हैं तो उनके लिए अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि धर्मशाला में बहुत सा कार्य प्रगतिशील है, बहुत सा कार्य हो चुका है और बहुत सा कार्य करने की आवश्यकता भी है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और नई नई चीज़ें किसी जगह को डेवलप करने के लिए उसमें अथाह एक संभावनाएं रहती हैं। तो कुछ एक चीज़ें थी जो हमारे ध्यानार्थ उस वक्त लाई गई थी कि ये कार्य वो कार्य, बहुत सी चीज़ें हैं। शहर में पार्किंग की ज़रूरत है, शहर में और बड़े सारी चीज़ें हैं। वैसे तो विशेषता जो MC ऑफिस है हमारा, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो ये सारे कार्य कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। परंतु जो हमारे ध्यानार्थ कोई ऐसी बातें आएंगी जहाँ पे हम कुछ अपना योगदान दे पाए, मुझे लग रहा है इससे एक तो हमें भी अच्छा लगेगा और हिमाचल की प्रगति में हम अपना कोई अंश दे पाए, इसमें भी बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। ये हमारा कार्य भी है। सर, पहले भी SDM पद पर आप रहे हैं, अब भी आप SDM पद पर आए हैं, कितनी चुनौतियां आप मानते हैं आसानी रहेगी या चुनौती भरा ये रहेगा सर? मुझे लग रहा है कि एक उपमंडल में जब हम आते हैं तो उपमंडल अधिकारी के लिए जो SDM है उसके लिए हमेशा हर दिन बहुत सारी ऐसी चुनौतियां रहती हैं, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बहुत होती हैं। ये एक ऐसा ऑफिस है जहां पे लोग अपने प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, ग्रीवांसेस को लेके आते हैं, समस्याओं को लेके आते हैं। उन समस्याओं का निदान के लिए वो हमें बड़ी आशा भरी नज़र से देखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी चुनौती उन वो जो लोग हमें काफ़ी आशा से देखते हैं कि यहाँ से हमें अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, तो सबसे बड़ी चैलेंज तो यही रहता है कि कैसे उन लोगों को सेटिस्फाई कर पाएँ, कैसे उन्हें हम अपनी सर्विस दे पाएँ और उनके ग्रीवांसेस कम हों। नो डाउट काफ़ी बिजी स्टेशन है, बहुत सारी चुनौतियाँ यहाँ पर रहती हैं। पूरा प्रयास रहेगा, पूरी मैं कहूँगा कि हमारा एफर्ट्स रहेंगे कि हम इन चुनौतियों को स्वीकारें। आपको मालूम ही है कि जो हमारी आवारा पशु वाली जो प्रॉब्लम है ये पूरे के पूरे हिमाचल भर में बहुत बड़ी समस्या है, और जब इन पशुओं की वजह से कोई
एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, तो तब हमें इस समस्या का, जिसे कहूँ कि पैरामाउंट एक वो जो एक खामियाजा है, भुगतना पड़ता है। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। शाहपुर टैक्सी यूनियन की ओर से बुधवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान यूनियन के प्रधान अशोक शर्मा ने कहा कि टैक्सी का परमिट 12 साल से बढ़ाकर 15 साल किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में 2 साल तक उनकी गाड़ियां खड़ी रही, जिसके चलते उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और वह बैंक से लिया कर्ज तक नहीं लौटा पाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी गाड़ियों का परमिट 12 से 15 साल करती है तो वह बैंक से लिया गया कर्ज चुका सकेंगे और अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सकेंगे। हमारी जो साल से कोरोना टाइम में गाड़ियां खड़ी गई, गाड़ियों की कंडीशन अच्छी होने के कारण और ड्राइवर जो हैं गाड़ियां खड़ी होने के कारण जो है बैंक लोन केस जो है नहीं भर पाए और उस हालत में हमारा जो परमिट है 12 साल से 15 साल किए जाए, जिससे कि वो बैंक की भरवाई की जाए और गाड़ियां चल सकें और नई गाड़ियों के खरीदने के काबिल नहीं है कोई भी ड्राइवर हमारा। से हमारी ये मांग है कि 12 साल से 15 साल किया जाए। हाँ, हमने कई बार सरकार को विज्ञापन दे चुके हैं, अभी तक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इसका जो फैसला है बहुत जल्दी से जल्दी लिया जाए, ताकि ड्राइवर रोड पे चलने के लिए परेशान ना हो, क्योंकि परमिट के बिना वो परेशान हो रहे हैं। 35 और 45 के बीच में। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर उम्मीदवार चुनावी प्रचार में जुटे हैं। इन चुनावों में हॉट सीट माने जाने वाले भराड़ी वार्ड से कांग्रेस ने जितेंद्र चौधरी, जो कि शिमला शहरी के अध्यक्ष भी हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा ने कांग्रेस की मीना चौहान को उतारा है। दोनों ही चुनावी प्रचार में जुटे हैं और डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। मंगलवार को लक्कड़ बाजार में कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र चौधरी पूर्व विधायक हरभजन सिंह भज्जी के साथ चुनाव प्रचार में उतरे। इस दौरान उन्होंने लोगों को कांग्रेस के नगर निगम बनने पर पूर्व सरकार द्वारा पानी गोड़े के बिलों में की गई बढ़ोतरी के कम करने का आश्वासन दिया। ये सबसे पहले तो मैं भराड़ी वार्ड की जो जनता है उसका धन्यवाद करता हूँ कि वो समय समय पे हमें समर्थन देती आ रही है और हमारी भी हमेशा कोशिश रही है कि हम जनता के विश्वास पर खरा उतरें और जो उनकी उम्मीदें हैं जनता की हमारे प्रति, उसको हम पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि हम जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा में तत्पर हम हर समय लगे रहते हैं। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि जो जनता की ज़रूरतें हैं वार्ड से संबंधी, उनको हम पूरा करने का प्रयास करें। आज से पहले भी जो भी हमने प्राथमिकताएं वार्ड में लोगों के बीच लेके गए उन्हें पूरा किया, और अगर कोई कमी पेशी रह गई तो हमारी कोशिश रहेगी कि अभी जो आने वाला समय है उसमें उन चीज़ों को पूरा करें और जनता से जो हमने वादे किए हैं या वादे करेंगे उसे पूरा करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं।
लोगों से। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक हरभजन सिंह भज्जी ने कहा कि शिमला बहुत पुराना शहर है और यहां नगर निगम के चुनाव बहुत मायने रखते हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला में कांग्रेस की सरकार ने सुविधाओं का विस्तार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हमेशा ही शिमला शहर की जनता का प्यार मिला है और कई बार 25 सीटों में से 24 सीटें मिली हैं और इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। शिमला जो है बहुत पुराना शहर है और यहाँ कॉरपोरेशन की जो इलेक्शन है बहुत मायने रखते हैं। बहुत पुरानी म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी, 1985 में जब प्रथम बार मैं विधायक बन के आया इसी शहर का, तो 1986 में यहाँ के कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, तब ये कॉरपोरेशन बन गया था। निरंतर पॉपुलेशन जो है शहर की बढ़ती रही, क्योंकि राजधानी बनने के बाद व्यापार बढ़ा, लोगों का आवागमन बढ़ा, लोगों ने यहाँ सब ने घर बनाने शुरू किए और जन सुविधाएँ जो थी उस समय में बहुत कम थी। वही पुराना सिस्टम ब्रिटिश टाइम का, 25,000 के लिए टाउन बना और जन सुविधाओं को देखते हुए कांग्रेस की सरकार ने बहुत ज़्यादा जन सुविधाओं का विस्तार किया। अब भाजपा की ओर से ये कहा जा रहा है कि 25 साल जो है नगर निगम में कांग्रेस रही है लेकिन उतना विकास नहीं हुआ है जितना 5 सालों में हो गया है, किस तरह से नेता प्रतिपक्ष के बयान को देखते हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल एक दूसरे की बातों को काटने का है वो तो लोग ही जवाब देंगे, इसमें कोई हम कहेंगे वो बुरे हैं या वो हमें कहेंगे बुरे हैं तो उससे तो बात नहीं बनने वाली। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।